यह 10 मिनट का डिक्टेशन है रामधारी गुप्ता जी का। उच्च गति अभ्यास से प्रतिलेखन संख्या 23-24 ये ग्रेड सी वालों के लिए है। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होता है। अब रेडी स्टार्ट। भाइयों और बहनों, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ अपने अनुसंधानों के सार राष्ट्रभाषा हिंदी में प्रस्तुत करने के लिए पूरे देश से यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं तो हमेशा ही कहता रहा हूँ कि किसानों तक नई जानकारी उनकी ही भाषा में पहुँचाई जा सकती है। आपने अच्छा किया कि श्री गणेश राष्ट्रभाषा हिंदी से किया। मैं तो चाहूँगा कि सभी भारतीय भाषाओं में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन आयोजित किए जाएं, ताकि सभी क्षेत्रों के किसानों को पता चले कि उनके लिए इस देश के कृषि वैज्ञानिक कितनी मेहनत से नई नई किस्में और तकनीकें निकाल रहे हैं। अब से 3 दिन बाद हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। मुझे बताया गया कि सन 1995 के वर्ष को यूनेस्को ने सहनशीलता का वर्ष घोषित किया हुआ था। शायद भारत में इसके बारे में ज़्यादा चहल पहल या चर्चा नहीं हुई, क्योंकि भारत देश और भारतीय लोग तो हैं ही सहनशील। इसमें भी सबसे ज़्यादा सहनशील हैं किसान। आप खुद हिसाब लगा लो, हर तरह से भारत का किसान संसार का सबसे सहनशील प्राणी सिद्ध होगा। आजकल जाड़ा जोरों से पड़ना शुरू हो गया है, फिर भी उत्तर भारत का किसान शीतलहर की परवाह किए बिना आधी रात को उठकर अपने गेहूं के खेत में पानी लगा रहा है, क्योंकि बिजली कुछ घंटों के लिए आती है। किसान ठंड सहकर फसल उगाएगा और फसल पकते पकते गर्मियां शुरू हो जाएंगी, तो जेठ की तपती धूप में वह खेतों में कटाई व मड़ाई का काम करेगा। यह जाड़ा पाला सहना और कड़ी गर्मी में पसीने से लथपथ होकर काम करते रहना, इतनी सहनशीलता बस किसान के बूते की ही है। फिर हिंदी बोलने वाला तो और भी ज़्यादा सहनशील है, हर हाल में जी रहा है। गेहूं चावल विदेशों में किस भाव बिकता है और हम उसे क्या भाव देते हैं। हर चीज़ के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, मगर किसान की मेहनत का पूरा मुआवजा देने में हम 10 बहाने बनाते हैं और किसान है कि बर्दाश्त कर रहा है। बिजली महंगी हो गई है, डीजल महंगा हो गया है, संकर बीज महंगा मिलता है, रासायनिक खादें महंगी मिलती हैं, मगर दालों के भाव चढ़ गए तो चिल्लपों शुरू हो जाती है। मेहनत करता है किसान और उसकी मेहनत पर फलते फूलते हैं बिचौलिए, मंडी के दलाल, आलू के चिप्स,
बनाने वाले व्यापारी, उसकी फसलों का तेल निकालने वाले व्यवसायी, ये सारी बातें सत्य है कि हमारे व्यापारी किसान भाई सो किसान से बड़ा सहनशील और कोई नहीं। कोई आता है तो खराब किस्म का बीज बेच जाता है, तो दूसरा जिप्सम के नाम पर मिट्टी बेचता है, कई एक नकली कीटनाशक दवाएं बिक रही हैं, छिड़कों तो कोई असर नहीं होता, किसान बेचारा सब कुछ सह रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ जो कृषि वैज्ञानिक हिंदी में अपने शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, वे भी बड़े सहनशील होंगे। भाइयों और बहनों, मतलब यह है कि अगर संसार को सहनशील बनाना है तो सभी लोगों को दुनिया भर में हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। ज़्यादातर व्यापार के लिए कच्चा माल तो किसान ही पैदा करता है, फिर किसान के लिए कृषि अनुसंधान के खर्च में दुनिया भर में कटौती क्यों की जा रही है? कटौती करनी है तो बहुत से और क्षेत्र भी हैं। अमीर देश सन 1990 में खेती बाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जो सहायता दे रहे थे वह थी 12 अरब डॉलर और 10 साल बाद 2000 में 2 अरब डॉलर की कटौती कर दी और यह 10 अरब डॉलर रह गई, तो पूरी दुनिया को खेती बाड़ी से जोड़ने की ज़रूरत है, तभी ये दुनिया आपस में लड़ना मरना बंद करेगी। मेरा बस चले तो मैं तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सगरमाथा, जिसे दुनिया एवरेस्ट कहती है, पर चढ़ूं और पूरे जोर से आवाज़ लगाऊं कि ए धरती के वासियों, बंदूकें छोड़ो और हल उठाओ, नहीं तो आप ही सोचो कि 20 साल बाद 2020 में जब दुनिया की आबादी 8 अरब हो जाएगी तो सबको खिलाने लायक खाद्यान्न कैसे उपलब्ध होगा। उस समय चीन को भी बाहर से गेहूं मंगाना पड़ेगा। सौभाग्य से भारत के बारे में तो कृषि विशेषज्ञों का यही अनुमान है कि भारत के किसान और कृषि वैज्ञानिक मिलजुल कर बढ़ी हुई आबादी का भी पेट भर पाएंगे। आज हमारे अन्न भंडार में 3.5 करोड़ टन से ज़्यादा अनाज भरा है। रबी की फसल आने के बाद यह बढ़कर 5 करोड़ टन तक जा सकता है। रखने की जगह नहीं है, इसलिए समाज कल्याण के कामों में लगाने और विविध रूपों में निर्यात करने के अवसर बढ़ रहे हैं। काम के बदले अनाज और बच्चों को पाठशालाओं में नाश्ता कराने व खाना खिलाने के कार्यक्रम पूरे देश में चलाए जा सकेंगे। यह एक तरह से दूसरी कृषि क्रांति का ही नतीजा है कि हम 101 करोड़ से ज़्यादा आबादी को अपने खेतों में उपजाई फसल से ही खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। खाने वाले तेल की कुछ वर्ष पहले कमी हुई थी, हमने पुरजोर कोशिश की। पिछले कुछ वर्षों में आयात तो घटकर प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपये का हो गया, वहीं तिलहनी फसलों और उनसे उत्पन्न पदार्थों का निर्यात 8 गुना बढ़कर 2500 करोड़ रुपये से भी ऊपर हो गया। यह सब फल है किसानों, वैज्ञानिकों एवं प्रसार
कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास का। इस प्रगति में आज कृषि वैज्ञानिकों का योगदान किसी से छुपा नहीं है, इसे सारी दुनिया मानती है। जहाँ भी भूख है वहाँ लोग भारत की मिसाल देते हैं कि देखो इस महान देश ने भूख की चुनौती का किस तरह डटकर सामना किया। आज जब निर्यात के अवसर खुले हैं, विश्व का परिवेश बदल रहा है।